और ये कि हम बस से उतार के आ गए हैं क्योंकि बस में थोड़ी सी जगह कम थी, तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ही वजह से बस फुल थी, सिर्फ मैं ही उतर कर आ गई। रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। अभी भी कितना टाइम है, बहुत रास्ता अभी भी है ना। बस वाला तो दुआएं दे रहा होगा मात को, वो जा रही है बस, नहीं नजर आ रही होगी। 4 बजे यहाँ से निकल जाए ताकि रोशनी में वापसी आ जाए, है ना, क्योंकि अभी हमें 1 घंटा तो होने वाला है ड्राइविंग करते हुए। तुम्हें सिग्नल की पड़ी हुई है, अरे तो बात करनी थी ना, फुल शोर लग जाएगी ना। तो हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए भाई। आज हम आपको ले आए हैं सिंध की करली झील की वो पॉइंट जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन, जो आज से पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हम फर्स्ट टाइम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए पॉइंट। ये करली झील से कुछ टाइम पहले जो चिलिया पॉइंट आता है, चिलिया पॉइंट से इसका एक रास्ता अंदर जा रहा है और तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर ये अंदर। और ये रास्ता जहन में रखिएगा कि ये रास्ता जो है टोटल कोई रोड नहीं है, कोई ऐसा मतलब रोड बना हुआ नहीं है, सिर्फ पत्थर और पहाड़ी यानी पे जो है ये रास्ता है, ये रोड है। शहर कराची के लोग जो है इस पॉइंट को काली पहाड़ी और काला पत्थर के नाम से जानते हैं, और सिंध के जो लोग हैं वो इसको कारो जब्बल और ढोरों पॉइंट के नाम से इस पॉइंट को जाना पहचाना जाता है। मगर ये पॉइंट इतना ज़्यादा मकसद लोगों में मशहूर नहीं है। तो ये है कि ये पॉइंट जब भी मतलब जाना हो तो इस पर एक एहतियाती तदाबीर ख़ासतौर पर ये जहन में रखिए कि आपकी गाड़ी जो है फिटनेस के तौर पर बिल्कुल फिट फाट होनी चाहिए, क्योंकि हल्की फुल्की गाड़ी का इधर कोई काम नहीं है और जो है रोड जो ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी वजह से जो है आपको यानी गाड़ी जो है आपकी बिल्कुल फिट फाट जो है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि आपको साथ साथ आपके साथ फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह ये साजो सामान आपके साथ लाजमी होना चाहिए, और गाड़ी में जो फ्यूल है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मौजूद होना चाहिए। इस लफ्ज़ की जो मीनिंग है वो खास मुझे नहीं पता है भाई, जिसको पता हो वो खुद ही समझ जाए, पर सिंधी का लफ्ज़ है ढोर, इसकी मीनिंग मुझे नहीं पता। अब जो है केक कटिंग सेरेमनी पहले कर लें, उसके बाद जो है फिर आगे का नहाना धोना जो भी है एंजॉयमेंट वो हम करेंगे। चलो यार, आपने टेस्ट नहीं डाला भाई, क्यों? शायद इतने प्यारे लगे थे, आपने फजूल में कपड़े चेंज कर दिए, अब कोई अपनी असली नहीं है ना, अगर ये बंदा समझता नहीं है ना, सुनता नहीं है मेरी बात, जब ये बंदा नुकसान उठाता है। थोड़ा सा इंजॉय भी कर लें, क्योंकि भाई मेरा पानी में मोबाइल पहले भी गिर चुका था, तो अब मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। ये देखे भाई, ये देखिए ये बच्चे नहा रहे हैं, तो ये वाले जो चाचू हैं, ये मेरा चाचू है, ये दूसरा नंबर के चाचू, मतलब मेरे पापा से छोटे हैं, और ये वही हमारे भाई आदत लगे हुए अपनी कल के हैं। भाई साहब बोल रहे हैं कि एक बंदे के 100 रुपये, यानी एक बंदे के 100 रुपये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीटें हैं, तो यानी कि 800 रुपये। और यही करनी में हम बैठे थे, मुझे याद है कितने में, 250 रुपये या 300 रुपये में। कितने में आ रहे हो? चलते लगे आ जाओ, फौरन चलो।
खासकर ये बात ध्यान में रखिए कि विदाउट गाइड इस जगह पे जाना नामुमकिन है, और इस जगह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी किस्म की मालूमात के लिए हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। ये हमारे छोटे भाई को दिखाना था। इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों की पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, लिहाजा हमारी इस मेहनत को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ये यादगार के तौर पे रख लो, ये करप्ट हो गया है, ये पत्थर पहले से भरे हुए थे। भैया हमारे भाई साहब को एक चीज मिली है, सी शेल मिली है, और ये इन लोगों का दावा है कि ये जिंदा है। सी इसको बोले निकाल, इसको बाहर निकाल। अभी इस पर तजुर्बे कराई है हमारी, निकला कुछ? हाँ जी, बहुत तड़प रही हो। क्या है, क्या है इसमें? सुकून से रहने दो उसको, उसके घर में आप लोग उसका उसका घर तोड़ रहे हैं। आई थिंक इसमें झींगा है, खड़ाई मखलूक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। इंतकाल हो गया। हाँ ये हाँ ये रमू ये निकाल। सिंधी में समझ रहा के वन टू वाली बातें हो रही है। और तुम भी एक कार्टून हो। कहाँ गया हमारा बच्चा? ये देखिए ना, धो के सोया जा रहा है। करीब से सुने जरा खरांटों की आवाज। अब घर चले, बहुत टाइम हो गया ना। चले थी पिकनिक, हो गई है खत्म, और सब कुछ सिमट भी गया, और हम जाने वाले कर रहे हैं। आपका मोबाइल आगे रखा हुआ है, तो उम्मीद है कि भैया अपना तकलीफ वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।